ओके मैम, जैसे आपने बताया कि अगर आप कुछ भी गीला पहनते हो या फिर गीला रखते हो अपने बॉडी में कोई भी पार्ट, तो उससे फंगल इन्फेक्शन हो जाता है. बट काफ़ी बार देखा गया है कि किसी किसी को फेस पर भी फंगल इन्फेक्शन हो जाता है. सो वो दोनों इन्फेक्शन सेम है या फिर डिफरेंट है? हेलो एवरीवन, दिस इज़ विदुषी एंड यू आर वॉचिंग द गुड हेल्थ शो. एंड टुडे वी हैव अ टॉपिक, फंगल इन्फेक्शन. And for that, we have Dr. Neha Rastogi Panda ji with us. Hello ma'am, kaise hain? Hi Vidushi, I'm good. And ma'am, welcome back to our show, The Thank Good you. Health Show, जहाँ पर हम बात करते हैं अलग अलग टॉपिक्स के ऊपर. आज हम बात करने वाले हैं फंगल इन्फेक्शन के बारे में, जो कि देखा गया है कि विंटर्स में बहुत ही ज़्यादा फैलता है और लोगों को प्रॉब्लम भी क्रिएट करता है. सो सबसे पहले मैं यही जानना चाहूँगी कि फंगल इन्फेक्शन का कॉज क्या है मैम? सो फंगल इन्फेक्शन बेसिकली फंगसेस के थ्रू होते हैं. जैसे हम नॉर्मल तौर पे जब बोलते हैं ना कि अगर ब्रेड को आपने 4 दिन कभी या 5 दिन कभी बाहर रखा बड़े मॉइस्चर या सीले एटमॉस्फेयर में, तो उसके ऊपर वो एक जो फफूंदी, आप जिसे हिंदी में शब्द यूज़ करते हो, या ग्रीनिश ब्लैकिश कलर का जो अजीब सा मटीरियल आ जाता है, अक्सर भाषा में उसको फंगस कहते हैं. सो फंगल इन्फेक्शन यूजुअली स्किन पे आपके ग्रोइन एरिया हुए, लिप्स के आसपास हुए, अंडर आर्म्स में हुए, ब्रेस्ट के नीचे हुए, जहाँ पे अक्सर होता है कि प्रॉपर तरीके से ड्राइंग नहीं हो पाती या आपके कपड़े अच्छे से नहीं सूख पाते हैं, तो उन केसेस में फंगल इन्फेक्शन होने की टेंडेंसीज होती है. ओके एंड मैम, इज दिस अ सीरियस प्रॉब्लम या फिर इजीली क्योर हो सकता है? सो दैट डिपेंड्स अपॉन लॉट ऑफ थिंग्स. सबसे पहली बात ये होती है कि फंगल इन्फेक्शन बहुत बेसिक स्किन का होने से साथ साथ भी बहुत ही सीवियर डीप इन्फेक्शन, जैसे कि हमने ब्लैक फंगस सुना सबने कोविड में, उस तरीके का सीरियस हो सकता है. वो डिपेंड करता है सबसे पहले कि आपकी इम्यूनिटी कितनी स्ट्रांग है. अगर आप बहुत ही अनकंट्रोल्ड शुगर के मरीज हो, जो कि 60-70 की एज के पार है, उन लोगों में फंगल इन्फेक्शन बहुत सीरियस भी हो सकता है. वहीं दूसरी तौर पे अगर आप यंग पेशेंट हैं, आपकी इम्यूनिटी अच्छी है, शुरुआती छोटा इन्फेक्शन है, तो वो बहुत इजीली सॉल्व हो सकता है. ओके ओके मैम, हम कुछ कर सकते हैं टू प्रिवेंट दिस? सो फंगल इन्फेक्शन की प्रिवेंशन स्ट्रैटेजी बहुत ही सिंपल है. सबसे पहले तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ फॉर नॉर्मल जनता के लिए कि आप अपने आप को हाइजीन सबसे अच्छा रखें. स्पेशली जैसे मैंने बताया कि यूजुअली डैम्प एरियाज में होता है, या जो कपड़े कई बार, क्योंकि इस मौसम में धूप नहीं निकलती है, तो आपके कपड़े अच्छे से ड्राइड नहीं होते. सो मेक श्योर आपके जो भी क्लोथ्स हैं, इनर गारमेंट्स हैं, आप उनको अच्छे से सुखा के पहने. दूसरी चीज़, एज आई मेंशन, हाइजीन एंड ड्राइनेस का ध्यान रखें. तीसरी चीज़, अपने रिस्क फैक्टर्स, जैसे मैंने बताया कि शुगर के मरीजों को होता है, इम्यूनिटी जिनकी कम होती है इन टर्म्स ऑफ कैंसर पेशेंट्स या किडनी के पेशेंट्स, तो आपके जो रिस्क फैक्टर्स हैं, अगर आप उन्हें कंट्रोल में रखेंगे तो इनकी होने की संभावना काफ़ी कम हो सकती है. ओके एंड मैम, फंगल इन्फेक्शन का कोई और भी कारण हो सकता है? कोई बीमारी से रिलेटेड होता है कभी कभी, या फिर जैसे आपने बोला कि मॉइस्चर से ही होता है? नहीं, बिल्कुल. सो फंगल इन्फेक्शन हम बहुत सारे कैंसर पेशेंट्स में, ट्रांसप्लांट पेशेंट्स में, जो स्टेरॉइड्स लेते हैं उनमें भी काफ़ी देखते हैं. क्योंकि अमूमन तौर का जो सबसे कॉमन फंगस इन्फेक्शन है वो आपके अपनी बॉडी में भी रहता है. सो इन लोगों में स्पेशली हमने देखा है कि वो थोड़े हैवी फॉर्म में प्रेजेंट करते हैं एंड डीप इन्फेक्शन होते हैं. जो स्किन के इन्फेक्शन होते हैं, जिनको हम रिंग वर्म भी कहते हैं नॉर्मल भाषा में, वो एक अलग तरीके के फंगसेस होते हैं जो कि स्किन और ऊपर की चमड़ी तक ही रह सकते हैं. ओके एंड मैम, इज दिस कॉन्टेजियस? डेफिनेटली. सो अगर किसी को फंगल इन्फेक्शन है, या जैसे हम बोलते हैं रिंग वर्म या दाद, जो कि स्किन पे होता है, अगर आपके सेम क्लॉथ्स या सेम बेडशीट्स या सेम चीज़ें, आर्टिकल्स कोई और यूज़ करे, सो दैट कैन हैपन ऑन द स्किन टू स्किन सर्फेस. बट वो डीप जाने का खतरा होता है सामने वाले की इम्यूनिटी पे. ओके ओके तो अगर किसी को ऐसा होता है तो वी शुड नॉट शेयर क्लोथ्स एंड स्पेशली. एंड मैम, फंगल इन्फेक्शन अगर हमको किसी को हुआ है किसी भी पर्टिकुलर एरिया पर, तो कितना टाइम लगता है टू क्लीन अप? सो दैट डिपेंड्स अगेन ऑन 2-3 थिंग्स. वन इज हाउ सून यू आर कमिंग टू एन एक्सपर्ट. क्योंकि आप जितनी जल्दी आएंगे उतनी ही जल्दी उसके ऑइंटमेंट, जरूरी नहीं है सबको बहुत ही हैवी एंटी फंगल से ही शुरुआत किया जाए. 90% केसेस में बेसिक ऑइंटमेंट वगैरह की हेल्प से भी ये सॉल्व हो सकता है, बट उसके लिए हमें क्विकली अपने एक्सपर्ट से मिलना है. दूसरी बात, जैसा मैं बार बार बोल रही हूँ, इम्यूनिटी पे. अगर आपकी इम्यूनिटी स्ट्रांग है, यंग हो, कोई और प्रॉब्लम नहीं है, तो इट कैन टेक अप इवन फॉर 7 days to 14 days टू क्लियर इट अप. बट फंगल इन्फेक्शन के साथ एक बहुत इंपॉर्टेंट इशूज़ ये भी आते हैं कि वो बार बार होने की टेंडेंसी भी रहती है, तो उसके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है जो आपका रिस्क फैक्टर है उसको आपको कंट्रोल में रखना बहुत ज़रूरी है.
ओके मैम, जैसा आपने बताया कि अगर आप कुछ भी गीला पहनते हो या फिर गीला रखते हो अपने बॉडी में कोई भी पार्ट, तो उससे फंगल इन्फेक्शन हो जाता है. बट काफ़ी बार देखा गया है कि किसी किसी को फेस पर भी फंगल इन्फेक्शन हो जाता है. सो वो दोनों इन्फेक्शन सेम है या फिर डिफरेंट है? सो जैसा मैंने बताया कि फंगल इन्फेक्शन का वन ऑफ द रिस्क फैक्टर या जैसे कि वन ऑफ द कॉमन आदत वाला फैक्टर इज द कपड़ाज एंड द गीला. बट बारिंग दैट देर आर लॉट ऑफ कॉस्मेटिक्स मेनी अ टाइम्स वी यूज, लॉट ऑफ न्यू प्रोडक्ट्स इन टर्म्स ऑफ योर क्रीम एंड एवरी थिंग यू यूज, इवन योर न्यू सोप्स एंड ऑल दैट कैन कॉजेज इनिशियल एलर्जी एंड देन कॉज द स्किन फंगल इन्फेक्शन टू अपर. तो ये मिक्स मैच होता है डिपेंड अपॉन कि किस एरिया में किस टाइम पे इन्फेक्शन हुआ. ओके एंड मैम, जैसे स्किन में जैसे कुछ लोगों को प्रॉब्लम हो जाती है कि पिम्पल हुआ फिर वो ठीक हुआ फिर वो पिम्पल हुआ, तो ये भी कोई इन्फेक्शन है? ये फंगल इन्फेक्शन में आता है? पिंपल्स आर यूजुअली अ काइंड ऑफ अ बैक्टीरियल. सो पिंपल्स यूजुअली जब शुरुआत में होते हैं तो वो आपके हार्मोनल और आपके स्वेट और सीबम की वजह से होते हैं. वो जैसे जैसे बढ़ेंगे या उनमें पस भरेगी तो अक्सर वो बैक्टीरियल इन्फेक्शन मेजॉरिटी करता है. फंगल इन्फेक्शन इन द फॉर्म ऑफ पिंपल्स यूजुअली बहुत ही कम केसेस में शुरुआती तौर पे आता है. बट हाँ, अगर किसी को वाइड स्प्रेड इश्यूज हैं इन टर्म्स ऑफ देयर इम्यूनिटी तो इट कैन कम इन द लेटर स्टेजेस ऑन द स्किन इन द फॉर्म ऑफ पिंपल्स एज वेल. ओके एंड मैम, जैसे कुछ लोगों को ईयर में भी फंगस हो जाता है जो कि जो लिक्विड होता है वो वैक्स में कन्वर्ट हो जाता है और उससे भी काफ़ी प्रॉब्लम होती है. सो उसका कोई कारण या फिर उसको हम कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं? बिल्कुल, अक्सर हम देखते हैं कि यंग ग्रुप एंड स्पेशली बच्चे जो कि स्विमिंग वगैरह बहुत करते हैं पुअर क्लोरिनेटेड वाटर में, वहाँ पे पूल्स में क्लोरिन लेवल्स मेंटेन नहीं है. एंड आपने देखा होगा कई बार जो आपके पॉन्स या तालाब वगैरह जहाँ पे काई जम रहा होता है, जो हम अगेन हिंदी भाषा का प्रयोग करते हुए, तो वहाँ पे अगर हम लोग कंटिन्यूसली उस एरियाज को यूज़ कर रहे हैं तो ईयर इन्फेक्शन, ईयर में वो कंटामिनेटेड ईयर इन्फेक्टेड पानी जाने से भी ईयर इन्फेक्शन होते हैं जो कई बार फंगल हो सकते हैं, जिन्हें स्विमर्स फंगस भी हम बोलते हैं. ओके एंड मैम, क्या फंगल इन्फेक्शन को हम घर की कोई रेमेडी से भी ठीक कर सकते हैं?